देखते हैं, बनाते हैं कढ़ाई पनीर। हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद होगा बढ़िया से होंगे। आज मैं बनाऊंगी रिहाना किचन में कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम पनीर फ्रेश ले लिया है। इसको आप जिस साइज जिस तरीके से कट कर सकते हैं, आपको जो पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैंने कट कर लिया है और कुछ 10 से 12 काजू ले लिए हैं, इसको अच्छे से धो लिए हैं। और 2 प्याज है स्लाइस कर लिए हैं, 2 टमाटर है इसको कट कर लिए हैं। चलिए इसको फटाफट तैयार करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पनीर को कर देंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा हमें टेस्ट लाना है पनीर का। तो कॉर्नफ्लोर ले लिए हैं बिल्कुल 1/2 चम्मच और इसको इस तरीके से हम फैला लेंगे। जितना हमने कॉर्नफ्लोर लिया है उतना बेसन है। बेसन भी हम एक जगह नहीं करेंगे, हाथों के हेल्प से उसको इस तरीके से छोड़ देंगे हम। कुटी हुई काली मिर्च है, इसको भी इसी तरीके से कर देंगे। थोड़ा सा नमक लेंगे और इसी तरीके से नमक भी डाल देंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए हम कुछ भी नहीं डालेंगे, हल्का सा स्पैचुला से बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे ताकि हमारा पनीर टूटे ना। और इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। इससे पनीर जब आप फ्राई करेंगे इतना अच्छा कलर आएगा और टेस्ट तो पूछना ही नहीं है। इस तरीके से हम मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इस तरीके से हो गया है। आप चाहो तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठंडे का मौसम है तो आप साइड में इस तरीके से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये रेस्ट हो रहा है तब तक हम आगे कढ़ाई रख लेते हैं गैस पे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, तेल डाल देंगे। तेल हम सरसों का डालेंगे। तेल हमारी अच्छे से गर्म हो गई, इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी। जीरा जैसे गरम हो गया है, ये प्याज कटा हुआ डालेंगे। प्याज को हमें पकाना जलाना नहीं है, सिर्फ इसका पसीना हमें जलाना है। इसको हम मीडियम रखेंगे। प्याज हमारा देखिए पसीना निकल गया। इसी साथ हम टमाटर डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको चला लेंगे। जो हमने काजू रखा है काजू को भी डाल के इसको भी भून लेंगे। 1 से 2 मिनट तक ही हम करेंगे इसको। प्याज टमाटर काजू तैयार हो गया है, इसको साइड में करके तेल इस तरीके से हम सारा निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमने सारा निकाल लिया। इसको ठंडा होने के बाद एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो गया है, पनीर भी हमारा सेट हो गया। एक एक करके इसको हाई फ्लेम पे कर लेंगे। इजी से पलटने लगे हैं, देखिए अपने आप सिर्फ घुमाने पे ही पलट जा रहे हैं। देखिए सारा निकालते हैं कितना परफेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से हम सारा निकाल लेंगे। देखिए इसी तरीके से हम सारा कर लेते हैं। देखिए सरसों के तेल में फ्राई करने का यही फायदा है, कितना अच्छा कलर लेके आया हुआ है। कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब जीरा डाल देंगे। जो हमने प्याज और शिमला मिर्च को इस तरीके से करके रखा है उसको डाल देंगे सबसे पहले। तीन से चार हरी मिर्ची फाड़ के रखा है उसको हम डाल देंगे।
और इसको चला लेते हैं। और 2 मिनट तक हम कुक कर लेंगे। हल्का सा नमक डाल देंगे। इतना ही पकाना है, इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसमें देसी घी डाल देंगे, चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको डाल के हम अच्छे से चला लेंगे इसको। गैस को हमने बंद कर दिया है और जो प्याज का लहसुन टमाटर का पेस्ट किया है, इसमें थोड़ा सा दही डाल के पीसी हूँ, इसको डाल दूँगी। बंद गैस को या फ्लेम को मीडियम कर, एकदम लो कर दीजिए ताकि हमारी दही फटे ना। और इसको हम चला लेते हैं इस तरीके से। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम गैस को चला देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, डाल देंगे कुछ सीक्रेट मसाले, मिर्ची पाउडर, चम्मच हल्दी पाउडर, चम्मच धनिया पाउडर, नमक डाल देंगे। इसको अच्छे से चला लेते हैं। दो से तीन मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लेंगे। इस स्टेज पे जब मसाले भुनने लगे, थोड़ा सा हम बटर डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से बटर को। मसाले भून चुके हैं, जो ये प्याज है, शिमला मिर्च है, इसको हम डाल देंगे इसी में और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले अच्छे से भून गए हैं, थोड़ा सा पानी देके हम इसको पका लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसको ग्रेवी को थोड़ा सा हम पका लेते हैं इस तरीके से। मलाई दे देंगे, अगर अमूल का है तो ठीक है, नहीं तो घर का दूध का भी मलाई डाल देंगे इसमें। और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। स्टेज पे हो जाए तो हम धनिया डाल देंगे। धनिया को अच्छे से चला लेंगे, थोड़ा सा पकना चाहिए। और जो पनीर है, पनीर को भी हम चारों तरफ डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम 2 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। इसको चला लेते हैं आराम से। हल्के हाथ से चलाएंगे सिर्फ। देखिए ये कंप्लीट हो गया है, गैस को हम कर देते हैं बंद। परफेक्ट कढ़ाई पनीर हो गया है, एकदम इतना टेस्टी बना है फ्रेंड्स। आप बनाइए, पहली बार में ही आपका परफेक्ट बनेगा।